तारक मान जैसे फिर लड़ाऊंगा भाई, मतलब सर्दी बांधूंगा ही नहीं इस बार। तो भाई इस वाले मान जैसे छोड़ेंगे हम तस्लीम का सार का भाई टॉप ब्लॉक। आज कर रही हवा चल रही है, पहले मैं आपको हवा और पतंगबाजी दिखाता हूँ कितनी हो रही है बाहर। तो आज पेप का फाइटिंग करेंगे तगड़ी वाली, देखो सामने वो उड़ रही है एक पतंग और हवा देख सकते हो आप। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, झंडा थोड़ा सा अटका पड़ा इसलिए हल्की हवा दिख रही है, पर ना बहुत अच्छी हवा चल रही है। और पीछे से भी यहाँ से पतंग पार हुई थी एक, आगे उड़ रही है एक दो, और अभी का फाइटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो पहले मैं चरखी और वो ले लेता हूँ, देखो ये ऊपर पहले चढ़ गया, सीढ़ी को सही से लगा ले इधर को। चरखी भी ले ली तूने ऊपर, कहाँ दिख रही चरखी? तो मंजे की चरखी लेकर पहुँच गया अपनी ये। तो मैं पतंग उठाता हूँ अपने लिए और इसके लिए, एक पेज में लड़ाऊँगा, एक पेज ये लड़ा करेगा एक पेज में। तो भाई कुछ पांच छह पतंगें ले लेंगे हम यार, मैं अपने लिए ये वाली ले लेता हूँ भाई थोड़ी वाली ब्लैक वाली, एक पतंग ये ले लेता हूँ, पतंग तो बहुत पड़ी है हमारे पास यार, और दो तीन पतंग और लेता हूँ। एक पतंग ये वाली भी सही है, चलो एक ही हो गई। एक के गाइस करने बन रहे हैं इसके, ये भी रख लेते हैं। अरे ये लुपक है यार, देखो भाई कभी भी ना पतंग लेकर आओ ना ऐसी मत लेकर आना, बीच की डंडी ऐसी होती है देखो इसकी, ये पतंग ख़राब होती है, उड़ नहीं पाती, बहुत तेज़ आंधी में उड़ती है पतंग खाली। एक पतंग के और करने बन रहे हैं क्या, ऐसी किए हैं ये, तो ये वाली रख लेते हैं एक, ये वाली सही है एक, और एक ये उड़ा लेगा, चार पतंग हो गई टोटल। चलते हैं ऊपर को और काइट फाइटिंग करके दिखाएंगे अभी आपको तगड़ी करके। क्या हुआ, पतंग ले वाले, ये वाली ले चल, और मैं मंजा भी देखता हूँ अभी कौन सा लेकर चलना मंजा। ये ले के पतंग ले ले, एक ही वाली ले ले, पांच पतंग ले ली हमने। और मांझा हम करेंगे ये वाला यूज़, और अपने सद्दी की चरखी ले लेते हैं ये देखो, और चलते हैं अब काइट फाइटिंग करने छत पे। यस ये देखो भाई, तो देखो वो इतने पार कर लिए, उससे लड़ाएंगे पेज अभी हम। और ये छत पे पहले पहुंच चुका है ये देखो, और ये इस वाली मांझे से उड़ाएगा ये, मेरे पास ये हैगा मेरा। तो अभी कन्ने बांधते हैं, कौन सी वाली के मैं मेरे के कन्ने बांधे पड़े हैं, इस पतंग को चेक करूँगा टेप लगा के थोड़ा सा, और फिर डायरेक्ट उड़ाएंगे इस पतंग को। देखो इन्हें उड़ा दिए अपनी पतंग, इसे लड़ाएगा क्या तू? पतंग और पार हो गई, देखो इस पीछे से देख सकते हो आप, एक पतंग और पार हो रही है। तो अभी पेड़ लड़ाते हैं और काट के दिखाएंगे पतंग भाई उसी वाले मांझे से, ब्लैक वाले से। पतंग मेरी जो भाई फट रही है, तो अभी इस ये देखो, अरे सब पे टेप चिपक रहा भाई, मुझे लगा फट रही है भाई। चलो इसे पतंग को चेक करते हैं पहले डायरेक्ट, पहले इस पतंग को हम चेक कर लेते हैं भाई कैसी चल रही है। पतंग तो एक नंबर है लेकिन चेक करनी पड़ेगी फिर भी, आप चेक करके उड़ा कर पता। एक नंबर पतंग है भाई, अभी तो डालते हैं मंजे से पार करके छोड़ के और पेड़ लड़ा के दिखा दें आप। तो गाइस इस वाले मांझे छोड़ेंगे हम तस्लीम का सार का भाई टॉप ब्लॉक, अभी यही चल रहा है, यही हमारा कोई ख़त्म नहीं कर पा रहा। तब इसको पतंग को डायरेक्ट छोड़ते हैं, तो गाइस ये देखो पार हो रहा हमारा पतंग, पार हो रहा है देखो। ये लड़ाएंगे और काट के दिखाएंगे पतंग अभी आपको, देखो पतंग पार हो गई, देखो इस वाली पतंग को काटेंगे अभी, और हमारी पतंग खड़ी है वो सामने। तो गाइस पहला पेज आ चुका है, देखो सामने दिखाओ, तो गाइस राइट में हमारी पतंग है और लेफ्ट में अपोनेंट की। तो अभी देखते हैं कौन काटता है। जब भी गाइस अगर आप आगे से लड़ा रहे हो पीछे वाला ऊपर वाला, और दूसरे की पतंग जो है दूसरा जो है पीछे से उड़ा रहा है आपके, तो हमेशा उसको ना पेच ऊपर से दो, कभी भी नीचे से मत दो, क्योंकि वो आपके हाथ के काट से हाथ से जो काट देगा पतंग। तो भी देखो जैसे कि मैं आगे हूँ और अपोनेंट जो पीछे है, तो मेरा पेच जो है नीचे से रहेगा, ये देखो वो तो नीचे से लाने की कोशिश कर रहा है। काटा गाइस भाई, लपेट की तुम्हारे भाई ने पतंग, निकाल के देखता हूँ
ये देखो हमारा भाई ने तो एक भी पतंग आई दो खींच मारी इस तरीके से हमारी भाई इस तरीके से और ऐसा आड़ी खींच मारी वो पतंग लपेट दी। चाहे वो कितनी भी तेज़ खींचे कुछ भी करे मेरी पतंग बड़ी थी और तेज़ भारी हाथ से खींची क्योंकि वो जा रही उसकी पतंग लगाती हुई काफ़ी ऊपर चली गई। गाइस और मांजा देखना चाहते हो आप ये देख लो तस्लीम कसार टॉप ब्लॉग है ये देखो मांजा मेकर इस पर शायद ऊपर पर्चे पे कुछ दिख नहीं रहा देखो और ये आठ रील मांजा बचा है मेरे पास देखो ये आपको दिख ही रहा होगा ये तो साफ आठ रील। ओ भाई फिर से बार हो गई अपने इनकी पतंग ये देखो बिल्कुल सेम वही वाली और हमारी तो आगे उड़ी रही है भाई उड़ा रही है जरा अभी तो वो एक पतंग और पार कर लिए किसी ने तो अभी हम ऊपर वाली से लड़ाएंगे पेज हमारी वो बीच वाली पतंग है हमारी है तो अभी उससे लड़ाते हैं पेज और दिखाते हैं अभी हम। तो गाइस अभी पेज आ चुका है अगला देखो हमारा और ये ब्लैक वाली मेरी पतंग है और वो रही अपोनेंट की उधर तो अभी देखते हैं कौन काटता है। भाई फिर से नीचे से ये था पेज काट दी भाई अपने से लपेट दी भाई मेरी पतंग जरा बहुत से खींच रही थी लेकिन भाई फिर भी जो है कट गई अभी देखते हैं दूसरी अगली पतंग पार करेंगे एक पेज हमने काटा एक पेज काट दी भाई बराबर अभी देखते हैं भाई सद्दी से तो नहीं कटी है मांझा बहुत कम मांझा था भाई मैंने भाई मंजे से कटी मंजे से काटी पतंग ये देखो वो मांझा देखो एक दो गज तीन गज खाली तीन गज मांझा बच के आया देखो पर वही वाली पट्टीदार पतंग वाली पतंग पार उसे गले मानता हूँ और इसके उड़ा के फिर तो भाई अगली पतंग हमने पार कर ली और देख सकते हो आप सामने एक पेज उसने काट दिया एक पेज मैंने काट दिया तो अभी देखो इसकी पतंग लेफ्ट में नीचे और मेरी पतंग ऊपर है तो अभी देखते हैं कहाँ देता हूँ पेज तो भाई जो नीचे तो लेगा देखो और मेरी पतंग ऊपर रहेगी भाई गई फिर से उन्होंने डोर टाइट कर रखी थी अपनी और देखो हिलका दिया भाई वो पतंग तो एक पतंग काटने के बाद दो पतंग लगातार कट गया मैं इस वाली बड़ी वाली पतंग को बांधूंगा अब ये देखो ये काइट कैच करी थी हमने छत से तो इस वाली पतंग से ही लड़ाएंगे और इसकी पतंग आएंगे भाई ये खड़ी है तो इसकी पतंग तो अभी इस पतंग से फिर लड़ाएंगे और देखते हैं काट पाते नहीं काट पाते अभी हम सब अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं उससे लड़ाएगा देखो तो मैंने एक काटी है दो कट गई है मेरी तो अभी देखते भाई होता रहता कटती रहती पतंग है तो मांझा ये वाला आपकी दूसरा वाला यूज़ कर रहा था इससे पहले वाले पेज में तो अभी ये वाला मांझा बांधता हूँ और इससे पतंग छोड़ता हूँ और फिर से लड़ा के देखते हैं पेज कौन काटता आपके। तो गाइस इस वाली पतंग को छोड़ते हैं अभी और डायरेक्ट इस बार ना डायरेक्ट मांझे से पेज लड़ाऊंगा भाई मतलब सद्दी बांधूंगा ही नहीं इस बार देखो वैसे फ़ायदा तो रहता सद्दी बांधने का लेकिन इस बार सद्दी नहीं बांधूंगा क्योंकि भाई पेज वो ना हाथों पे ले आ रहा है बार बार तो इसमें सद्दी नहीं मानूंगा डायरेक्ट मांझे से उड़ाऊंगा देखो पतंग को हवा देखो बहुत बढ़िया हवा हवा तो बहुत अच्छी आई हुई है भाई तो ये डायरेक्ट देखो मांझा मैंने छोड़ लिया हम डायरेक्ट मांझे से और मांझे से पेज लड़ाऊंगा अभी इसमें देखो ये आने वाली रील आ गई देखो इस रील पर गांठ ही बांधनी पड़ेगी और मुझे डर है भाई कि गांठ से निकट जाऊंगा मुझे लग ही रहा है गांठ से कटेगी पता फिर भी चलो डायरेक्ट मांझे से लड़ाएंगे पेज तो एक गांठ ना भाई एक गांठ बहुत नुकसान कर देती है पतंग में तो अभी एक गांठ बांधता हूँ मैं छोटी सी बांधो जितनी ज़्यादा छोटी बांधोगे ना आप उतनी जल्दी जो है पतंग जो है निकल जाती है पेज में से मतलब ढील चली जाती है उसमें गांठ अटकती नहीं है और जैसी गांठ अटकेगी ना पूरी गांठ से जो पतंग कट जाती है जल्दी तो ये गांठ बांध दी हमने और अब छोड़ते पतंग को उसको डायरेक्ट पतंग पतंग क्यों अटक कर रही है और ये देखो हमारा पर्चा आ गया ये पर्चा निकलने वाला भाई देखो है तस्लीम कसार भाई तस्लीम कसार का टॉप ब्लॉग है भाई जिसने उड़ाया होगा तस्लीम कसार का ना उसे ही पता होगा
मैं पिछले साल भी जो है भाई इसी की चरखी लाया था 15 अगस्त पर, पिछले साल मतलब अभी जो गया 15 अगस्त, उससे पिछले साल 15 अगस्त में इसी की चरखी लाया था। तो अभी देखो डायरेक्ट मंजे से लड़ाऊंगा पेज, चरखी अटका देता हूँ यहाँ पे भाई। ये देखो डायरेक्ट मंजे से पेज लड़ाऊंगा, अब पेज दिखाओ। बिल्कुल हाथों में घुसता आ गया भाई, तो कभी भी हाथों में घुसने तो मैं किसी को नहीं। भाई देखो ने ऊपर कर ली बिल्कुल पतंग अपनी बचा लिया उसने पेड़, वरना मैंने पतंग को डंडा बना दिया था बिल्कुल। भाई तीन पतंग कट गया, मैंने एक ही काटी भाई। बहुत ही बुरा दिन है, पूरा के दिन भाई सभी दिन बुरे जा रहे हैं, जितनी पतंग उड़ा रहे हूँ मैं रोज लड़ाएगा। देखो निकल ली ग्रीन वाली पतंग पार अपनी भाई, तीन पतंग लगातार कटाऊँ बहुत ही बुरा लग रहा है भाई मुझे, कभी इतनी बुरी पतंग नहीं कटा मैं लगातार। और भाई इतने बेहतरीन वाजे से यार, पता नहीं हाथों में पता नहीं जंग आ गई है, पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी देखो ये लड़ाएगा अगला पेज, देखते कौन काटता पतंग। ये काटता है भाई पीछे, और पीछे मैं बता दूं आपको गाइस, कोई दिख नहीं रहा होगा आपको कौन उड़ा रहा है। तो जो आपको दो बड़े बड़े टैंक दिख रहे हैं ना पीछे, ऊंचा वाला घर दिख रहा, उसके बराबर से ना एक अंकल जी उड़ाते हैं भाई, वो उड़ा रहे हैं पतंग। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है उन्हें, आपको लगो मैं कस के कट कैसे रहा हूँ, इसीलिए कट रहा हूँ भाई। छोटा पेज लड़ लिया और एकदम खींच के भाग जा रहे हैं वो। ये इनने तमंजे बांध लिया, अभी सद्दी बांधेगा, बांध सद्दी लंबे बांध। ये लड़ा रहा देखो पेज, अब चौथा पेज, एक हमने काटी और तीन हम कट गए भाई। तो अगला पेज ये सामने रही आपका, नीचे वाली पतंग इसकी है, ऊपर वाली अपोनेंट की है, अभी देखते हैं कौन काट पाता है। गेम 3, बस ज़्यादा लंबी मत कर, सद्दी से काट जाएंगे, बस रोक ले इतनी। तो गाइस ये लड़ा है ना पेज देखो अभी भाई, ये देखो बिल्कुल सिर पर लगा रखी है हमारी पतंग उन्होंने, डोर उनकी वो हैगी ऊपर बिल्कुल हमारी छत के ऊपर। और कभी भी छत के ऊपर डोर होना तो पेज मत लड़ाना, क्योंकि कैंची बन के आपकी पतंग कटेगी, जो आगे होगा ना उसी की पतंग कटती है सद्दी से। ये लड़ा दिया इनने पतंग, और इनने पूरी वो पतंग घुमाई है। मार 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 ऊपर से मार दे मार। और ये भाई कहाँ गया पेज, अरे उनकी पतंग ही ढह गई भाई, नीचे ढह गई ये पतंग उनकी भाई, उनकी पतंग वो ढह गई देखो। ये अभी दिखेगी देखो, वो ऊपर की साइड रह गई पतंग उनकी भाई, उनकी पतंग लड़के ने तोड़ ली एक, देखो वो पतंग अटकी पड़ी है उसके बराबर से, वहाँ से एक लड़के ने तोड़ ली हमारी पतंग, तो ये उड़ रही है देखो अभी। तो अभी हम मैं ये वाली पतंग बांधूंगा देखो उड़ाने के लिए अपने, मेरी पतंग तो उड़ रही है। और ये अरे भाई अपोनेंट की पतंग देखो क्या हो गया भाई, पूरी मछली फट गई भाई पूरी पतंग उसकी, ये देखो क्या हो गया। अरे भाई मेरी पतंग बचाओ, पतंग कहाँ गिर गई भाई उसकी, फट गई देखो वो गिर रही है देखो मेरी पतंग तो, ये रही भाई। अब पता नहीं अपोनेंट करे नहीं करे पार, हम तो भाई उड़ा ही रहे हैं अभी। अभी भाई बहुत देर हो गई, अभी उन्होंने पतंग ही पार नहीं करी है, जब से उनकी अभी पतंग फटी थी अभी दिखाई थी मैंने अभी। ये देखो निकालने की कोशिश कर रहा है उस पतंग से इसको, ये अभी देखो निकलेगी तो नहीं भाई, मत निकाल, अरे देख तू गिरा देगा उसे भी भाई, ऐसे निकालने की कोशिश मत करा करो, गिर जाएगी तुम्हारी पतंग भी भाई। तो अभी उन वो पतंग पार ही नहीं कर रहे भाई, अब मुझे लग रहा है नीचे उतर के जा चुके हैं भाई ये वो। और हम जितनी पतंग लाए थे उसमें से एक ही पतंग बची है भाई, ये काफ़ी कट गई, एक तो हमारी कट तो अटक गई थी वहाँ पे, और एक उनकी जो है कट गई, दो उनकी कटी और तीन हमारी कटी हैं, बाकी 3-2 पे स्कोर रहा। और ब्लॉग यहीं तक था, ब्लॉग अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मांझा अगर पता करना कौन सा मांझे से उड़ा रहा हूँ तो कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी शिवांश प्रजापति 100, तो मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, कुछ भी पूछ सकते हो काइट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।